हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो मेरे चैनल पे आपको नेचुरल टिप्स मिलते हैं, आपसे आपके हेयर से रिलेटेड, आपके स्किन से रिलेटेड, ताकि आप उसको अच्छा बनाए रख सकें, हेल्दी बनाए रख सकें। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी हटके है। आज मैं आपको कुछ मेकअप आइटम दिखाने जा रही हूँ, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। ये मैंने इसीलिए परचेस किया है क्यों और इसीलिए मैं आपको दिखाने भी जा रही हूँ, क्योंकि कभी शादी होती है, पार्टी होती है, हम लोग को जाना होता है, ओकेजनली कभी तैयार होते हैं, तो हम लोग हल्दी बेसन तो लगा कर जा नहीं सकते हैं। वहाँ तो हम लोगों को थोड़ा मेकअप करना बनता है। फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, थोड़ा बहुत तो मेकअप करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा पैलेट परचेस करूँ जिसमें कि मुझे आई शेडोज, लिप ग्लॉस, कॉम्पैक्ट और ब्लशर ये सारे मिल जाएँ। काफ़ी मैंने रिव्यू किया ऑनलाइन, काफ़ी चेक किया, काफ़ी सारे वेबसाइट्स सर्च किए, उसके बाद मुझे ये मिला कैमलिन का मेकअप किट। दिखने में कुछ ऐसा है, ये कार्टन के एक बॉक्स में मुझे मिला है। इसका पैकेट मैंने हटा दिया है ऊपर से, जो स्नैपडील से मैंने लिया था, स्नैपडील का पैकेट मिला था। और दिखने में कुछ ऐसा है, मिनी लैपटॉप की तरह, या आईपैड कह सकते हैं। और ओपन करने पे देखिए इसमें कितने सारे एलिगेंट कलर्स हैं। ये सारे आई शेडोज़ के कलर्स हैं, 40 आई शेडोज़ मिले हैं मुझे इसमें, जिसमें कि ये जो ये पोर्शन है ये सारे शिमरी शेड्स हैं, और ये पोर्शन जो है सारे मैट शेड्स हैं। उसके अलावा दो कॉम्पैक्ट मुझे मिला है, ये मैट शेड है और ये शिमरी शेड है। और उसके साथ तीन ब्लशर मिले हैं मुझे, ये तीनों ब्लशर जो कि आप देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ मुझे मिला है ये क्रीमी फाउंडेशन, और ये दो क्रीमी आई शेडोज़ मिले हैं मुझे। साथ ही ये तीन इस पोर्शन में ये सारे लिप ग्लॉस हैं। इसे मैंने थोड़ा यूज़ कर लिया है और स्वेचेस देखने के लिए, और लिप्स पे अप्लाई भी किया था इसका पिगमेंटेशन चेक करने के लिए। तो चलिए मैं इसमें ब्रशेस देखती हूँ। ये कुछ प्लास्टिक के कवर से ऐसे कोट्स किया हुआ है, इसको मैं हटा देती हूँ। और चलिए इसका ब्रश देखते हैं, कैसा ब्रश मिला है। ये अप्लाई करने के लिए मुझे मिला है आई शेडोज़ को ये तीन ब्रश, ये लिपस्टिक को अप्लाई करने के लिए मिला है, और ये ब्लशर को अप्लाई करने के लिए मिला है। बट ये ब्रशेस मैं यूज़ नहीं करती, काफ़ी छोटा है, तो मैं मेकअप ब्रश जो अपना है उसे यूज़ करती हूँ। तो वापस इसमें रख देते हैं। अब हम चेक करते हैं इसका पिगमेंटेशन कैसा है। स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं इसके पिगमेंटेशन को। तो मैं ये ब्रॉन्ज कलर ले रही हूँ, देखिए कितना शाइनी लग रहा है, कितना एलिगेंट लग रहा है देखने से। अब मैं कोई मैट शेड लेती हूँ, ये पर्पल लेते हैं, काफ़ी प्यारा कलर है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा लाइट है बट इसे ज़्यादा अप्लाई करने पे ये बिल्कुल आप इसके ओरिजिनल कलर में आ जाएगा, जैसा कि आपको इसमें देखने से लग रहा है। उसके अलावा ये ब्लशर, ये तीनों ब्लशर के शेड्स हैं, ये ब्लशर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं एक पिगमेंटेशन आपको चेक करके बताती हूँ। थोड़ा लाइट शेड है बट लगाने से, दोबारा लगाने से कुछ पता चले, विजिबल हो रहा है, काफ़ी प्रिटी कलर है। तो ये सारे कलर्स बहुत ही प्यारे हैं, ये लिपस्टिक के ये लिप ग्लॉसेस दिए गए हैं, इनके भी शेड्स काफ़ी प्यारे हैं। मैं आपको कुछ शेड्स दिखा देती हूँ। ये है पिंकिश है थोड़ा, ये थोड़ा ऑरेंज में आएगा, अभी ऑरेंज लिपस्टिक का फैशन है, काफ़ी चलन में है। और ये रेड है, काफ़ी प्यारा है। तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप देखते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब भी आप मार्केट भी जाते हैं तो आई शेडो ही लेने जाते हैं, तो उसमें देखते हैं का बस 8-10 कलर्स होते हैं, काफ़ी महंगा आता है। ब्लशर लेने जाते हैं, सिर्फ एक या दो कलर आएंगे, 400-500 तक में आते हैं वो। कॉम्पैक्ट भी जो है वो 400-500 तक में आ जाते हैं, लेकिन ये सारे मुझे मिले हैं सिर्फ 1364 रुपीज़ में। तो आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, या मार्केट में अगर आपको मिलता है तो वहाँ परचेस कर सकते हैं। मार्केट में मुझे ये नहीं मिला, इसलिए मैंने ऑनलाइन लिया इसको। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
काफ़ी अच्छा पैडल्ट मुझे लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। और जो मेरी वीडियोस को देखते हैं रेगुलर, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।